फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम संपर्क ऐप्स का पूरा प्रोसेस समझेंगे और इस संपर्क ऐप्स को चलाना सीखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में उपस्थिति से लेकर नियम और सावधानियां पूरी बताने वाला हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आपको प्ले स्टोर में जाकर के ये वाली संपर्क ऐप डाउनलोड करना है, लेना है फ्रेंड्स। संपर्क WCDMP फ्रेंड्स, यह और इसका फेस कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे आप ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स। ओपन करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लोकेशन मांगेगा फ्रेंड्स। लोकेशन आप इसे ओके कर दीजिए फ्रेंड्स। लोकेशन के लिए ओके कर दीजिए फ्रेंड्स। मैंने अपना लोकेशन ओके कर दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका स्तर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका स्तर चुनना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्तर कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। आपका जो भी स्तर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी नंबर एंटर करेंगे फ्रेंड्स। यूजर आईडी नंबर फ्रेंड्स, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर फ्रेंड्स, हमें वह नंबर एंटर करना है फ्रेंड्स जो हमारा आंगनवाड़ी में एंटर या दर्ज है फ्रेंड्स, पहले से रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स। वही नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है फ्रेंड्स। अगर अन्य नंबर से आप एंटर करेंगे फ्रेंड्स, अगर कोई अन्य नंबर या गलत नंबर एंटर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर साइन इन आपका नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना नंबर एंटर करते हैं, मोबाइल नंबर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको पासपोर्ट एंटर करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, MIS में दर्ज करना है पासपोर्ट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, MIS में पासपोर्ट कैसे होते हैं फ्रेंड्स। MIS में पासपोर्ट होते हैं फ्रेंड्स 1, 2, 3 फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से आपको उदाहरण में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको डालना है फ्रेंड्स 1, 2, 3 में आपको पासपोर्ट एंटर करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको साइन इन हो जाना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है साइन इन का ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको साइन इन हो जाना है फ्रेंड्स। साइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। साइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर है फ्रेंड्स, स्वयं का फोटो खींच कर उपस्थिति दर्ज करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि स्वयं का यानी अपना खुद का फोटो खींचकर उपस्थिति दर्ज करें। यहाँ पर आपको सेल्फी वाला फोटो खींचना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सेल्फी वाला ही फोटो खींचना है। आपको फोटो कहाँ पर खींचना है फ्रेंड्स, यह बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स। आपको अपना फोटो आंगनवाड़ी भवन में या फिर कोई कार्य करते हुए फील्ड वर्क या जो आप कार्य कर रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर भी अपना सेल्फी वाला फोटो खींच सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी भवन में ही आपको फोटो अपना खींचना है फ्रेंड्स। आपको सही बात करें तो फ्रेंड्स, आपको आंगनवाड़ी या फिर अपने भवन या फिर माने तो अपने कार्यालय में ही अपना फोटो खींचना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको फोटो खींचकर, स्वयं का फोटो खींचकर, जैसे ही फ्रेंड्स आप सेल्फी लेंगे और नीचे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका मोबाइल पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शो होगा आंगनवाड़ी, फिर आगे यहाँ पर आपका गांव का नाम तो हो जाएगा, यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम तो होगा फ्रेंड्स। इस तरह का कुछ फेस तो हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, जैसे आप सेल्फी लेते हैं और क्लिक करते हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज हो नीचे देखेंगे पोषण अभियान वीडियो गैलरी। आप पोषण अभियान वीडियो गैलरी यानी आप कुछ वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो या फिर इसे छोड़ सकते हो फ्रेंड्स। वीडियो देखना कोई जरूरी नहीं फ्रेंड्स। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना इसमें बहुत ही अनिवार्य है। कुछ सावधानियां रखनी बहुत ही अनिवार्य है, और वह सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह सावधानियां कौन सी है। तो आपको यह
तीन पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ तीन पॉइंट पर ओके करना है। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, यहाँ पर ये तीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप तीन बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम तो हो गया जाएगा, मैंने जानकारी पूरी ब्लर कर दी है जो आपको नहीं दिखा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी गाँव का नाम तो हो जाएगा, यहाँ पर सेक्टर का नाम तो हो गया आएगा, यहाँ पर योजना का नाम तो होकर आएगा और यहाँ पर जिला का नाम तो हो गया जाएगा। फ्रेंड नीचे देखिए फ्रेंड्स, कुछ तीन ऑप्शन और है, पोषण अभियान वीडियो गैलरी, सिंक डाटा स्टेटस और लॉगआउट। फ्रेंड्स यहाँ पर पोषण अभियान वीडियो गैलरी पर आप क्लिक करेंगे तो पोषण अभियान वीडियो गैलरी की वीडियो आ जाएगी, आप वीडियो देखेंगे, सिंक डाटा स्टेटस और लॉगआउट। फ्रेंड्स आप यहाँ पर कौन सी विशेष बातों का जो ध्यान रखना है वो कौन सी बातें और कुछ सावधानियाँ हैं वहाँ कौन सी सावधानियाँ हैं इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले लॉगआउट की बात करते हैं। लॉगआउट हमें कब करना है फ्रेंड्स, जब आपका समय समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे हमारा समय सुबह 9 बजे ताला खुलने का रहता है, जैसे आंगनबाड़ी हमें खुलना 9 बजे रहता है और बंद करने का टाइम जैसे 4 बजे रहता है, तो फ्रेंड्स हमें यह लॉगआउट सिर्फ 4 बजे ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर आपने लॉगआउट पहले कर दिया है तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि आपने लॉगआउट 12 बजे कर दिया है तो आपकी आंगनबाड़ी 12 बजे बंद हो जाती है। आपको आपका समय जिस समय पर आपको लॉगआउट यानी जिस समय पर आपकी आंगनबाड़ी बंद होती है उस समय पर आपको लॉगआउट कर देना है। जैसे आप लॉगआउट करते हैं तो आपकी आंगनबाड़ी बंद हो जाती है, आपके अधिकारियों को पता चल जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस समय आंगनबाड़ी का टाइम समय समाप्त हो गया है और आंगनबाड़ी यहाँ पर बंद कर दी गई है। जैसे आप दूसरे दिन ऐप्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको स्थल सेलेक्ट करना रहता है और पासवर्ड डालकर फोटो खींचकर उपस्थिति दर्ज करता है। नेक्स्ट दिन में हमें वही प्रक्रिया अपनानी है फ्रेंड्स। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स लॉगआउट का, आपको दिन में सिर्फ एक ही बार लॉगआउट करना है, वह भी समय समाप्त हो जाने पर। जैसे आपका समय समाप्त होता है आपको उसी समय आपको लॉगआउट करना है। एक बात और विशेष ध्यान रखिए, यहाँ आपको सिंक डाटा स्टेटस, यहाँ आपको क्या करना है इसके बारे में चर्चा करना है। यहाँ आपको डाउनलोड करना है फ्रेंड्स। आप देखिए अब सिंक डाटा स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का शो हो जाएगा फ्रेंड्स। डाटा अपलोड यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डाटा पर क्लिक कर देना है, अपलोड कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप अपलोड करते हैं फ्रेंड्स आपका डाटा सुरक्षित हो जाता है, यानी आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है, यानी वो डाटा सेव हो जाता है फ्रेंड्स। आपको दिन में यह डाटा अपलोड करना है यानी उपस्थिति आपकी सेव कर देना है। इस प्रकार से अब देखिए फ्रेंड्स हम होम पेज पर आ चुके हैं वापस। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वार्षिक स्थिति रिपोर्ट और मासिक प्रगति रिपोर्ट स्थिति। फ्रेंड्स मासिक प्रगति रिपोर्ट MPR अगर इससे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट अभी शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, यह कुछ ही दिनों बाद चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। जिससे आप महीने का MPR अपने मोबाइल से भर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप वार्षिक स्थिति रिपोर्ट SR यह ओपन हो चुका है और इसे आप भर सकते हैं। मासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट आप दोनों अपने मोबाइल से भर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मासिक प्रगति रिपोर्ट अभी इसका न्यू अपडेट वर्जन चालू नहीं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वार्षिक स्थिति रिपोर्ट SR भरना सिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप चैनल को पहली बार देख रहे हो मैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो मार्च
मानसिक प्रगति रिपोर्ट के एमपीआर पर मैं आपको सब अच्छे से सिखा दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।